चैम्बर है ये, तो यार लंबा खर्चा बैठ जाएगा। तो गाइस आज मैं आपको दिखाता हूँ कि कार के नीचे से कैसा लगता है। ये देखो गाइस कुछ साउंड, ये अभी नॉर्मल साउंड है, ये अभी नॉर्मल पागल है थोड़े बा... मेरे भाई गुड मॉर्निंग, स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो भाई लोगों अभी फिलहाल में जस्ट अभी खाना खा के मतलब पहुंचे थे वर्कशॉप में, तो एकदम से आ गए अपने ऑन की कॉल एंड वो बोल रहे थे कि भाई यहाँ पे जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं एडवेंचर ड्यूक एंड इसमें पेट्रोल नहीं है, तो तुम ऐसा करो वहाँ से पेट्रोल लेके आओ फिर आओ वर्कशॉप पे एड डाल दो इसमें। तो फिलहाल में तो अभी जा रहा हूँ मैं वर्कशॉप जहाँ पे सर्विस होती है उसे वर्कशॉप बोलते हैं और जहाँ पे बिकती है उसे शोरूम बोलते हैं। तो फिलहाल में अभी चलते हैं अपने शोरूम पे पेट्रोल लेके। गार्ड साहब से ले तो लिया था पेट्रोल एंड अभी चलने वाले अपने ड्यूक से, बाकी पेट्रोल देख लेते हैं। यार अंकल जी से मैंने ले तो लिया था, ड्यूक से जा रहा हूँ ड्यूक से अपनी, पेट्रोल तो अपनों ने ले लिया है। तो वाइट हेलमेट डाल लिया है एंड हेलमेट पता कि क्यों डाल रखा है, आगे आज पुलिस वगैरह का लोग खड़े हुए हैं, बॉस लोग बता रहे थे इसीलिए ले, तो भाई मैं हेलमेट ही डालता हूँ भाई, मैं तो पुलिस से बचने के लिए डालता हूँ मैं सच बताऊँ तो। बाकी अपनों ने पेट्रोल ले लिया एंड कोई पीछे बंदा पकड़ने को नहीं था और पेट्रोल बार बार गिर जाता बाइक चलाता, इसीलिए मैंने जैकेट के अंडर डाल दिया एंड बाकी अब जल्दी से निकलते हैं। गाइस जब भी हेलमेट पहनो ना तो सबसे बढ़िया भाई फुल वाला पहनो, अब ये शॉर्ट वाला है ना मुंह पे साले लिरी गिट्टी बजरी रेता सब मुंह पे आता है, आंखें बंद हो जाती है, फायदा क्या है इसे हेलमेट का। अब चलते हैं अंदर और आपको आज बाइकें भी चेक कराता हूँ अपनी। गाइस बाइकों में पेट्रोल डाल दिया एंड बाकी अब निकलते हैं। वर्कशॉप पे भी पहुंच चुका है, बाकी अब गाड़ी को लगा देते हैं अंदर, यहाँ पे अब इसका कुछ काम नहीं है, बाकी औरों को गाड़ियों में अपनों को काम करना है, तो इसे अब लगा के आता हूँ टाटा के अंदर। ये देखो इन्हें तोड़ दिया गाइस, ये ऐसे वन फ्लोर मारे गए गाइस, कुछ आता जाता है नहीं, इससे चूतिया बना रहा है खाली, ये पेटी तोड़ दी हमारी। 125 में गाइस 125 से लग रहा थोड़ा टफ है गाइस, इसके बस में कुछ नहीं है गाइस, टट्टी करता है। A few moments later ये जो पिटा है ना ये मैं हूं। अभी रोशन भाई बांध रहे थे बनाओ, अरे दिखाओ ना यार, पता नहीं लोग यार वीडियो बनवाने से इतना डरते क्यों है सब पक गए लौटे सब पक गया, अब कह रहे कार में देखो गाइस यहाँ पे फिलहाल मैं अभी चाबी निकालूंगा एंड यहाँ पे हालत देखो कार की, कार को इतना खत्म कर दिया, मजे लिए, चलो चलो देखो अब मैं आया हूँ अब जाएगी पीछे, अरे स्टीयरिंग लॉक है, स्टीयरिंग लॉक कद्दू लॉक है, तो ये बढ़ क्यों नहीं रही है। अभी गाइस ये लोग धक्का दे रहे थे, इन किसी पे जा नहीं रही थी आगे, अब मैं आया तो ये देखो कार मैंने पूरी बैक कर दी। तो गाइस अभी लॉन्डे वगैरह कर रहे हैं मतलब कार का ट्रीटमेंट, गाड़ी तो समझ में ही नहीं आ रही है ये कार है कौन सी, रोहन भैया ये कार है कौन सी, पंच गाइस इस कार का नाम है पंच, जो कि अभी मैंने हाल ही में सुना था क्योंकि ये नया मॉडल आया पंच, क्यों तो ये तो नया मॉडल है तो तुमने खोल क्यों दी। तो गाइस आज मैं आपको दिखाता हूँ कि कार के नीचे से कैसा लगता है, मतलब सभी कार का सेम ही होता है, देखो कुछ इस तरीके का दिखता है कार के नीचे। ये साइलेंसर भाई कितना लंबा जा रहा है एंकर, यहाँ से पूरा बैग जाके ये लिख रहा है एंकर कितना लंबा, कार के नीचे के से तो कुछ अलग ही सीन है एकदम लेबिल सा, और ये अपने ब्रेक वगैरह की तारे वगैरह अरे सभी हलाना फिलाना दिन का है, पता नहीं किस किस चीज़ की वायर है मुझे तो बाइकों का पता है। और इसमें ये देखो ये पता नहीं इंजन भी भाई इंजन ही है क्या है, ऑयल लीक कर रहा है, ये डैमेज हो गया है इसमें ये डैमेज हो गया है इसलिए दिक्कत आ गई, इसमें एक्सीडेंटल गाड़ी है ये तो भाई, अरे सब छोड़ो हाँ हाँ अरे सब छोड़ो, कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं सर भाई, ये गाड़ी कब तक ठीक हो पाएगी, गाड़ी बहुत जल्दी हो गई, काम हो गई
लेकिन ये क्या है ये तो बताओ सर भाई, सर भाई ये क्या डैमेज हुआ है? ये चेंबर चेंबर है ये, तो यार लंबा खर्चा बैठ जाएगा। अच्छा और बहंग, अच्छा सर भाई अच्छा। सो गाइस अपनी ड्यूक 390 है ना, जो कि इसका ओरिजिनल साइलेंसर जो कि आता है वो मैंने निकाल दिया था, तो एंड निकालने के बाद में किस तरीके का साउंड आता ना वो आज मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल में तो ये देखो बीच से कुछ नहीं, मतलब पूरा ही सिस्टम निकाल दिया एंड ये रहा। तो फिलहाल में तो हाँ जी पहले ऊपर, पहले एक बारी गाइस को साउंड, गाइस गाइस को साउंड सुना दूँ फिर ऊपर ही चढ़ा रहा हूँ। हाँ चलो गाइस को साउंड सुनाते हैं। गाइस साउंड चेक कर रहा, पहले तो इसे न्यूट्रल करते हैं। आप देख रहे इसकी स्टार्टिंग देखो गाइस, बाकी अभी ऑन करता है। ये देखो गाइस कुछ साउंड, ये अभी नॉर्मल साउंड है, ये अभी नॉर्मल, एंड अगर आप एक्सीलेटर लोगे ना तो भाई पटाखे छोड़ेगी पटाखे। ये देखना अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। तो गाइस जैसा कि अभी आपने साउंड देखा, एंड अभी हम साउंड को पूरा ही चेंज करने वाले हैं, एंड अभी लगाने वाले हैं इसमें अपना फुल्ली वाला जो कि साइलेंसर आता है ना वो, एंड इसके अंदर का भी और भी कई पार्ट आते हैं वो भी है नहीं, तो वो लगा दूंगा बाद में। तो फिलहाल मैं अभी देखना इसका साउंड मैं कैसा करने वाला हूँ, ओरिजिनल साउंड कर दूंगा इसका ओरिजिनल जो कंपनी से आता है वो वाला। एंड गाइस काम यार सारा निपटा लिया, एंड जो कि मैं एग्जॉस्ट की कह रहा था वो मैंने लगा दिया, एंड जो कि पीछे वाला एरिया है इन्होंने कट कर दिया, तो मैंने नॉर्मली इस तरीके से अटैच कर दिया जैसे कि ये देखो। तो फिलहाल में ये आज काम निपटाते निपटाते अंधेरा भी हो चुका है, एंड तीन सर्विसिंग भी आई थी वो भी अपनों ने निपटा दिया, एंड अब फिलहाल में तो अब इसका साउंड आपको मैं सुनाता हूँ। न्यूट्रल न्यूट्रल भाई कर दे न्यूट्रल, ये साउंड चेक करो पहले क्या था। हाँ दोस्त क्या हुआ? अच्छा अच्छा वीडियो बनाऊँ, तो गाइस कुछ ये साउंड रहा, एंड पहले तो आपने चेक किया था, अब चेक करो साउंड कुछ अभी ये रहा।